गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल में परिश्रम क्लासेज की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब अपन सीधे चलते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक क्या चल रहा था अपना, रोग चल रहे थे, ठीक है। और रोग भी कौन से चल रहे थे, वायरस जनित रोग। कौन से रोग चल रहे थे, वायरस जनित रोग चल रहे थे, ठीक है। अब अपन देखो बात करते हैं कि रोग से बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। एग्जाम में देखना, बात चल रही थी कौन सी, किसकी चल रही थी, रोग की बात चल रही थी। और रोग की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन से रोग चल रहे थे, संक्रामक रोग चल रहे थे। कौन से रोग चल रहे थे, संक्रामक। और संक्रामक में भी कौन से चल रहे थे, वायरस जनित रोग। कौन से रोग चल रहे थे, वायरस जनित रोग, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात की थी एड्स की, बात की थी, उसके बाद रेबीज की बात की थी, उसके बाद पोलियो पड़ा था, डेंगू पड़ा था। अब पढ़ते हैं पीलिया रोग। कौन सा रोग पढ़ते हैं, पीलिया रोग, कि ये पीलिया रोग क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग का जो वायरस होता है, ये वायरस कौन सा होता है। देखो वायरस की बात करते हैं कि कौन से वायरस के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पीलिया रोग का वायरस होता है उसका नाम होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस होता है। इसमें भी देखो प्रकार होते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है, एक डी होता है, एक एफ। ये पांच प्रकार होते हैं हेपेटाइटिस, पांच प्रकार से मिलता है, ए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस एफ, ठीक है। अब अपन बात करें भारत देश की, अपने देश की बात करें, उसमें पाया जाता है हेपेटाइटिस बी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, हेपेटाइटिस बी पाया जाता है। तो देखो पीलिया रोग होता है उसका वायरस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसे प्रभावित अंग, कि मनुष्य की बॉडी का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। प्रभावित अंग की अपन बात करते हैं तो ये प्रभावित अंग क्या होता है, देखो ये प्रभावित अंग होता है आपका यकृत। कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। तीसरी अपन बात करते हैं, देखो आगे चले प्रभावित अंग के बाद, इसके बाद देखो भारत में, भारत होता है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वायरस पाया जाता है, हेपेटाइटिस बी पाया जाता है। कौन सा वायरस पाया जाता है, हेपेटाइटिस बी पाया जाता है, ये पाया जाता है, ठीक है। अब देखो और बात करें, ये हेपेटाइटिस बी होने के कारण जो मनुष्य होते हैं, खासतौर पर कौन, मनुष्य, मनुष्य में खासतौर पर किसकी बात करें, पुरुषों की बात करें, जो पुरुष होते हैं इन पुरुषों में सर्वाधिक जो कैंसर होता है वो ब्लड कैंसर या फिर फेफड़ों का कैंसर, सर्वाधिक चांस रहते हैं वो किसके रहते हैं, ब्लड कैंसर के रहते हैं। रक्त जो कैंसर होता है वो होता है, उसके बाद अगर ये ना हो तो उसके बाद पाया जाता है फेफड़ों का कैंसर, किसके कारण, हेपेटाइटिस बी के कारण। तो ध्यान रखना हेपेटाइटिस बी किसके लिए उत्तरदायी होता है, पुरुषों के अंदर क्या करता है, ब्लड कैंसर का क्या करता है, कारण बनता है। इसलिए ये जो पीलिया रोग होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखना, ये पीलिया रोग होता है, इसलिए इस पीलिया रोग को क्या कहते हैं अपन, जॉन्डिस रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, जॉन्डिस रोग कहते हैं, ध्यान रखना। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किस रोग को जॉन्डिस रोग कहा जाता है, वो रोग कौन सा होता है, पीलिया होता है, ठीक है। अब पीलिया के दौरान देखो जो पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग होता है तो देखो ये महिलाओं में क्या इफेक्ट डालता है, ये क्या होती है, जो महिलाएं होती हैं उसके गर्भाशय काल के दौरान, गर्भाशय काल के दौरान ये सर्वाधिक प्रभाव डालता है, और उसमें कौन सा रोग उत्पन्न करता है, कैंसर रोग उत्पन्न करता है। ध्यान रखना कैंसर रोग के लिए सर्वप्रथम देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कैंसर रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन सा होता है, ये आपके ओंकोजीन्स होते हैं। कौन से जीन्स होते हैं, ओंकोजीन्स होते हैं। जब ये ओंकोजीन्स का निर्माण होता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, कौन सा रोग होता है, कैंसर रोग होता है। तो ध्यान रखना पीलिया जो रोग होता है, वायरस कौन सा होता है इसका, हेपेटाइटिस बी। देखो लक्षण क्या प्रकट करता है, आँखें पीली हो जाती हैं, जीभ का पीलापन पड़ जाता है, त्वचा का पीलापन होता है, वो रोग कौन से, वो जो ये लक्षण प्रकट करते हैं कौन से रोग को व्यक्त करता है, पीलिया रोग को व्यक्त करता है, ठीक है। तो पीलिया जो वायरस होता है वो होता है हेपेटाइटिस ए बी सी डी और एफ, लेकिन सर्वाधिक जो खतरनाक होता है वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी पाया जाता है। प्रभावित अंग पूछे यकृत,
भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? हेपेटाइटिस बी, जो क्या करता है मनुष्य के ब्लड कैंसर का कारण बनता है, इसलिए इस रोग को क्या क्या कौन सा रोग कहते हैं? जॉन्डिस रोग कहा जाता है। ठीक है, अब ये पीलिया महिलाओं में गर्भाशय काल के दौरान क्या करता है? कैंसर, और कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ओंकोजीन्स होते हैं। वो रोग कौन सा रोग कहलाता है? पीलिया। बस आपको तीन चीज़ ध्यान रखनी है, पीलिया होता है वायरस, कौन से वायरस के द्वारा? हेपेटाइटिस बी के द्वारा। दूसरा प्रभावित अंग पूछे वो कौन सा होता है? आपका यकृत। तीसरा पूछेगा कि किस रोग को जॉन्डिस रोग कहते हैं? वो रोग होता है आपका पीलिया रोग। कौन सा रोग होता है? पीलिया। ये तीन क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इस रोग में से और कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। चौथा अगर बना दे कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है, तीन दे देगा जीवाणु जनित, एक दे देगा वायरस, तो पीलिया कौन से जनित रोग है? वायरस जनित रोग है। ठीक है, आप ट्रिक पे मत जाइएगा, ट्रिक पे जाने के बाद आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट रोग की बात करते हैं, नेक्स्ट रोग कौन सा अपना? ठीक है, अब देखो वायरस जनित नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखो आपके स्वाइन फ्लू की, किसकी बात करते हैं? स्वाइन फ्लू की। ये लो, अब स्वाइन फ्लू की बात करें तो वायरस कौन सा होता है? देखो कौन से वायरस के द्वारा यह स्वाइन फ्लू रोग फैलता है बताइएगा भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना वायरस कौन सा होता है? H1N1। कौन सा वायरस होता है? H1N1 वायरस होता है। तो पूछे कि स्वाइन फ्लू के लिए उत्तरदायी जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? H1N1 होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें प्रभावित अंग, प्रभावित अंग, और ये प्रभावित अंग कौन सा होता है मनुष्य के बॉडी का? वो होता है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटिव सिस्टम, श्वसन तंत्र। और अब जो वर्तमान में चल रहा है वो कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस क्या करता है? उससे भी कौन सा अंग प्रभावित होता है आपकी बॉडी का? श्वसन तंत्र। ठीक है, और ये श्वसन तंत्र इसलिए क्योंकि फेफड़ों में सिकुड़न, मतलब कि आपकी कर्माकुंचन गतियां होती हैं वो प्रारंभ क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं, जिसके कारण फेफड़े ना तो सिकुड़ पाते हैं और ना फैल पाते हैं, उसमें फैलने की और सिकुड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? बिल्कुल कम, जिससे व्यक्ति को क्या होती है? श्वास लेने में तकलीफ होती है, और अंत में एक समय ऐसा आता है जिसमें व्यक्ति को सांस आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और व्यक्ति क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना स्वाइन फ्लू का वायरस होता है H1N1, प्रभावित अंग क्या होता है? श्वसन तंत्र। इसके बाद अपन दवा की बात करें, इसकी जो दवा होती है वो दवा होती है टेमीफ्लू, कॉमी फ्लू होती है, टेमीफ्लू होती है। तो बेहद ध्यान रखना, एक देखो ये टेमीफ्लू दवा है, ये इसके लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। वर्तमान देखो पिछली जब ये चली थी स्वाइन फ्लू 2009 से पहले की बात थी, तो 2009 में भारत सरकार द्वारा WHO के द्वारा इसको क्या कर दिया था, 11 जून 2009 को महामारी बीमारी घोषित किया था। तो अब देखो ये महामारी बीमारी घोषित होगी कौन सी? आपकी कौन सी? कोरोना वायरस भी होगा। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू है, इसकी दवा कौन सी होती है? टेमीफ्लू होती है। ठीक है, इसके बाद देखो विश्व में, विश्व की बात करें, और विश्व में इसका जो प्रथम रोगी था, प्रथम रोगी कहाँ मिला था ध्यान रखना, ये प्रथम रोगी मिला था आपका मेक्सिको में। कहाँ मिला था? मेक्सिको में मिला था। इसका प्रथम रोगी कहाँ मिला था? मेक्सिको में मिला था। ठीक है, और इसके बाद अपन बात करें भारत में, किसकी बात करें? भारत की बात करें, तो भारत में इसका जो प्रथम रोगी मिला था कहाँ मिला था? गुजरात। कहाँ मिला था? गुजरात प्लस हैदराबाद, दोनों में मिला था प्रथम रोगी। ठीक है, और राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ मिला था? वो मिला था आपका पुष्कर अजमेर में, सॉरी जयपुर में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान रखना, अब इसको ये पूछे कि स्वाइन फ्लू को WHO ने महामारी बीमारी कब घोषित किया? तो ध्यान रखना इस रोग को महामारी का दर्जा, कौन सी बीमारी का? महामारी का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 11 जून 2009 को। कब दिया गया था महामारी का दर्जा? 11 जून 2009 को दिया गया था। ठीक है, ये इतनी खास बातें थी। तो ध्यान रखना वायरस जनित रोग में अपन नेक्स्ट रोग की बात करते हैं स्वाइन फ्लू, और स्वाइन फ्लू की बात की थी वायरस कौन सा होता है? H1N1। प्रभावित अंग पूछता है वो कौन सा होता है? श्वसन तंत्र। दवा होती है इसकी कौन सी? टेमीफ्लू। विश्व में इसका जो प्रथम रोगी मिला था वो कहाँ मिला था? मेक्सिको में। भारत में इसका प्रथम रोगी मिला था गुजरात प्लस हैदराबाद में,
और राजस्थान की बात करें उसका रोगी मिला था जयपुर में। ठीक है, अब देखो स्वाइन फ्लू को महामारी का दर्जा WHO ने, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको महामारी का जो दर्जा दिया था वो कब दिया गया था, 11 जून 2009 को, क्योंकि जब महामारी की संख्या तब जी जाती है जब अत्यधिक व्यक्तियों की क्या हो जाती हैं, मौतें हो जाती हैं, तो उसको WHO कौन सी बीमारी घोषित कर देता है, महामारी घोषित कर देता है। ठीक है, एक पहले भी चला था आपका जो प्लेग रोग चला था, ठीक है, और ये प्लेग रोग था चूहों के कारण फैला था, वो भी किसको, उसको भी WHO ने किसकी संज्ञा दी थी, महामारी की, बहुत से लोगों की क्या हुई थी उसके दौरान, मौत हुई थी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रोग आता है स्वाइन फ्लू के बाद में बर्ड फ्लू, कौन सा रोग आता है स्वाइन फ्लू के बाद में, आता है आपका बर्ड फ्लू। और ये बर्ड फ्लू की बात करें जो पक्षियों के द्वारा जो रोग फैलता है वो ध्यान रखना भैया आप, ठीक है, तो ध्यान रखना स्वाइन फ्लू के बाद में आपका नेक्स्ट रोग आता है बर्ड फ्लू, कौन सा रोग होता है बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू की अपन बात करें तो इसका जो वायरस होता है वो वायरस कौन सा होता है, वो वायरस होता है H5N1, कौन सा वायरस होता है H5N1 होता है, तो ध्यान रखना वायरस रोग बर्ड फ्लू का वायरस होता है H5N1। ठीक है, इसके बाद प्रभावित अंग, बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ध्यान रखना भाई इसके दौरान भी कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र, सेम कंडीशन मिलेगी आपको दोनों को। ठीक है, फ्लू जितनी भी बीमारियां होंगी वो बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करेंगे, श्वसन तंत्र को। ठीक है, इसके बाद देखो यह रोग है, कौन सा रोग है बर्ड फ्लू, यह रोग प्रवासी पक्षियों के माध्यम से, एक तो जो दूर देश से आए हुए जो पक्षी होते हैं उनके माध्यम से यह रोग फैलता है, या फिर देखो आपके दिमाग में आ रहा है कि सुअर से, किसी ने कहा था सर सुअर से भी फैलता है, तो ध्यान रखना किसके माध्यम से फैलता है यह रोग, सुअर के माध्यम से भी, तो ध्यान रखें यह रोग प्रवासी पक्षियों के माध्यम से, वह सुअर, अगर राजस्थान की बात करें तो देखो आपका जो केवला देव गन्ना पक्षी विहार है उसमें आते हैं साइबेरियन सारस, आते नहीं आते कुरंजा, ये सारस आते हैं गर्मियों के दिनों में, यहाँ सर्दियों के मौसम में वापस चले जाते हैं, तो केवला देव जो गन्ना पक्ष अभ्यारण्य है वहाँ पे कहाँ, ये देखो ध्यान रखना भरतपुर में। ठीक है, तो ये प्रवासी पक्षियों के माध्यम से और सुअर दोनों के माध्यम से फैल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो इस रोग की प्रथम जो लेप थी, इस रोग की प्रथम लेप, इसके ऊपर जो सर्वे किया गया था, जाँच की गई थी, वो लेप स्थापित की गई थी भोपाल में, कहाँ स्थापित की गई थी, सर्वप्रथम जो लेब स्थापित की गई थी वो कहाँ स्थापित की गई थी, भोपाल में स्थापित की गई थी। अब अपन बात करें देखो विश्व में बर्ड फ्लू का प्रथम रोगी और विश्व में इसकी प्रथम रोगी की अपन बात करते हैं, वो प्रथम रोगी तो कौन से देश की बात करेंगे, वो पाया गया था हांगकॉन्ग में, कहाँ पाया गया था हांगकॉन्ग में पाया गया था इसका प्रथम रोगी। भारत की बात करते हैं तो यहाँ आता है महाराष्ट्र, कहाँ आता है महाराष्ट्र में पाया गया था, और राजस्थान की बात करें यहाँ मिला था आपको अजमेर, कहाँ मिला था अजमेर, ध्यान रखना HIV का भी जो प्रथम रोगी मिला था वो कहाँ मिला था, राजस्थान में अजमेर में ही मिला था, और अजमेर में कहाँ मिला था पुष्कर में, कहाँ मिला था पुष्कर, जहाँ किस लिए प्रसिद्ध है फूलों की घाटी, यहाँ थी फूलों की घाटी जहाँ पे खेती की जाती थी, किसकी गुलाब की, किसकी खेती की जाती थी गुलाब की खेती की जाती थी। इसके बाद देखो पुष्कर यहाँ पे सबसे प्राचीन वर्मा जी प्लस सावित्री जी का मंदिर है, सावित्री जी का नाम लेते हैं लेकिन खास तौर पे मंदिर किसका है वर्मा जी का है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो संक्रामक वायरस जनित जो रोग होता है बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है वो H5 क्या होता है N1 के माध्यम से फैलता है, जो मनुष्य के बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करता है, आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यह रोग प्रवासी पक्षियों के माध्यम से या सुअर के माध्यम से फैलता है। इस रोग की जो प्रथम लेप स्थापित की गई थी भारत में वो कहाँ की गई थी, भोपाल में स्थापित की गई थी। विश्व में इसका जो प्रथम रोगी मिला था वो कहाँ मिला था, हांगकॉन्ग में मिला था, तथा भारत में कहाँ मिला था, ये महाराष्ट्र में, और राजस्थान की बात करें अजमेर में। और एड्स का भी जो प्रथम रोगी मिला था जो राजस्थान में कहाँ मिला था, पुष्कर अजमेर में, और पुष्कर अजमेर फूलों की घाटी इसलिए गुलाब की, और यहाँ जो गुलाब थे उसके द्वारा असमत बेगम, कौन थी असमत जो बेगम थी उसके द्वारा सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था, इत्र का निर्माण किया गया था। तो प्रथम जो सेंट बनाने का जो कार्य किया गया था भारत में वो किसके द्वारा किया गया था, असमत बेगम थी,
ठीक है, इसको गुलाब वगैरह पसंद नहीं थे, इसको क्या पसंद थी, सुगंध पसंद थी, तो इसने बैठे बैठे किसका निर्माण कर दिया, इत्र। और इत्र के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध आपके तीन ज़िले हैं, टोंक, सवाईमाधोपुर और एक कौन सा है, भरतपुर। ये तीन ज़िले इत्र के लिए सर्वाधिक इत्र कहाँ पाया जाता है, टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर में। ठीक है, खस घास किस घास के द्वारा बनती है, खस घास जो इत्र बनाने के लिए क्या है खास तौर पे माननी जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, आप जीके की बात नहीं करेंगे अपन, बात करेंगे सिर्फ किसकी किसकी बात करेंगे, सिर्फ साइंस की बात करते हैं और रोग की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन रोग पढ़ते हैं आपका चेचक। ठीक है, नेक्स्ट रोग पढ़ते हैं आपका वायरस जनित होता है चेचक। चकचक को बोलते हैं खास तौर पे चिकन पॉक्स, या इसको अपन खास तौर पे और बोलें तो क्या बोलें, बड़ी माता कहा जाता है। क्या कहते हैं, बड़ी माता। तो नेक्स्ट रोग की अपन बात करते हैं, वो रोग अपना कौन सा है, चेचक, या इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बड़ी माता। ये लो, इसको आप सभी को जानवरी है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं खास तौर पे, सभी में कम से कम लगभग कैंडिडेट 95% लोगों में ये रोग हो चुका है खास तौर पे आपके। ठीक है, तो ध्यान रखना चेचक, चिकन पॉक्स या बड़ी माता। वायरस की बात करते हैं, वेरियोला जोस्टर, कौन सा वायरस होता है, वेरियोला जोस्टर वायरस होता है। कौन से वायरस के माध्यम से फैलता है ये रोग, वेरियोला जोस्टर के माध्यम से फैलता है। ठीक है, अब इसके दौरान प्रभावित अंग कि मनुष्य की बॉडी का प्रभावित अंग कौन सा होता है, वो प्रभावित अंग कौन सा होता है देखना, वो होता है आपकी त्वचा। किससे होता है, त्वचा से। और ये फैलता है किससे, देखो सीधा बात करें, फैलता है किसके माध्यम से, सीधा होता है ये हवा के संक्रमण से फैलता है। किसके संक्रमण से फैलता है, हवा के संक्रमण से फैलता है ये रोग। ठीक है, एक और खास विशेषता ध्यान रखना, यह रोग, इस रोग की बात करें, यह रोग जीवन में एक बार अवश्य होता है, जीवन में एक बार क्या होता है, अवश्य होता है। यह रोग जीवन में एक बार क्या होता है, अवश्य होता है। एक बात और ध्यान रखना आपके, इस रोग के दौरान मनुष्य की जो त्वचा होती है, उस त्वचा पर लाल बड़े बड़े दाने जैसे निशान हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर मारक हो जाते हैं। ध्यान रखना, बड़े बड़े लाल दाने जैसे निकल आते हैं, वो रोग कौन सा कहलाता है, चेचक रोग कहलाता है। अपनी मारवाड़ी भाषा में बात करें तो, मारवाड़ी भाषा में अपन बात करते हैं तो वो जिसको बोलते हैं आंकड़ा का आंकड़ा, आपने सुना होगा शेखावाटी के सभी कैंडिडेट जानते होंगे। ठीक है, शीतला माता की जो पूजा की जाती है, ठीक है, इसीलिए की जाती है कि आपको बोधरी छोटी माता और बड़ी माता से बचाने के लिए, और उसकी पूजा होती है किसके अंदर, कौन सा पेड़ होता है, खेजड़ी का वृक्ष के नीचे उसकी क्या होती है, पूजा होती है। और दशहरे पर भी किस वृक्ष की पूजा की जाती है, खेजड़ी की, जिसका वानस्पतिक नाम होता है प्रोसोपिस सिनेनेरिया। क्या होता है, प्रोसोपिस सिनेनेरिया। पूछ सकते हैं, देखो आपकी जो वनपाल की जो एग्जाम हुई थी, वनपाल जिसको आप क्या बोलते हो, वनरक्षक, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था खेजड़ी का वानस्पतिक नाम, तो ध्यान रखना प्रोसोपिस सिनेनेरिया, कौन सी होता है, प्रोसोपिस सिनेनेरिया। दशहरे पर इसकी क्या पूजा जाती है, पूजा। और शीतला माता की पूजा भी किसके ऊपर की जाती है, खेजड़ी के ऊपर। और शीतला माता का जो मेला भरता है, ध्यान रखना किसकी बात करें, शीतला माता का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है, चाकसू जयपुर में। कहाँ भरता है, चाकसू जयपुर में। तो ध्यान रखना, जो चेचक होता है, चिकन पॉक्स से बड़ी माता होती है, इसका जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, वेरियोला जोस्टर। प्रभावित अंग की बात करें, वो कौन सा होता है, त्वचा। फैलता किसके माध्यम से है, हवा के संक्रमण से फैलता है। ये रोग जीवन में एक बार क्या होता है, अवश्य होता है। ये त्वचा पर क्या होते हैं, बड़े बड़े लाल दाने जैसे निशान निकलाते हैं। अब ध्यान रखना एक चीज़ और, जो ये चेचक था और ये चेचक के टीके की खोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चेचक के तो टीके की जो खोज की गई थी, वो की गई थी आपके एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज, एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज की गई थी।
तो ध्यान रखना, चेचक के टीके की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। और रेबीज के टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? लुईस पाश्चर के द्वारा। तो ध्यान रखना, ये आपका कौन सा रोग था? चेचक चिकन पॉक्स वायरस वेरियोला जोस्टर, प्रभावित अंग त्वचा, हवा के संक्रमण से फैलता है, जीवन में अवश्य होता है, लाल बड़े बड़े दाने जैसे निशान निकलाते हैं। और टीके का खोजकर्ता कौन था? एडवर्ड जेनर। ठीक है, नेक्स्ट अपन रोग पढ़ते हैं। आपने आपका नेक्स्ट रोग आता है छोटी माता, जिसको अपन क्या बोलते हो? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स होता है बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स होता है छोटी माता। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं आपके छोटी माता, और छोटी माता की बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। किसकी बात करते हैं? स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं, छोटी माता। वायरस सेम रहेगा, ध्यान रखना। वायरस क्या होगा? वेरियोला जोस्टर ही होगा। प्रभावित अंग भी ध्यान रखना आप, प्रभावित अंग। प्रभावित अंग क्या होता है? ध्यान रखना, त्वचा होती है। फैलता भी किससे है? ध्यान रखना, हवा के संक्रमण से। किससे फैलता है? हवा के संक्रमण से फैलता है। ठीक है, जीवन में एक बार अवश्य होगा, जीवन में एक बार क्या होता है? यह रोग अवश्य होता है। और इसके दौरान लक्षण क्या होते हैं? शरीर होता है मनुष्य का, शरीर पर छोटी छोटी पीतिकाएँ निकल आती हैं। छोटी छोटी क्या निकल आती हैं? पीतिकाएँ निकल आती हैं। कहने का मतलब, ये जो छोटी छोटी पीतिका, इसको बोलते हैं बोदरी। क्या निकल आती है? बोदरी होती है। वो कौन सा रोग कहलाती है? आपकी छोटी माता कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। दवा की बात करें, इसको दवा देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन सी दवा देते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, ध्यान रखना, ये लो। तो वायरस, नेक्स्ट रोग कौन सा था? छोटी माता, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। वायरस होता है वेरियोला जोस्टर। प्रभावित अंग होता है आपका त्वचा। फैलता किससे? हवा के संक्रमण से। जीवन में एक बार क्या होता है? अवश्य होता है। तथा मनुष्य के शरीर पर छोटी छोटी पीतिकाएँ निकल जाती हैं, तथा यह क्या कहलाती है? बोदरी कहलाती है। दवा होती है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं आपके नेक्स्ट रोग की। और नेक्स्ट रोग होता है आपका ट्रेकोमा रोग। कौन सा रोग होता है? ट्रेकोमा रोग। नेक्स्ट रोग की बात करते हैं ट्रेकोमा रोग। कौन सा रोग होता है? ट्रेकोमा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ट्रेकोमा रोग क्या करता है? देखो, मनुष्य की बॉडी पे क्या प्रभाव डालता है, किस वायरस के माध्यम से फैलता है, तो देखना। ये ट्रेकोमा वायरस की बात करें तो इसका वायरस होता है ट्राइकोमा। कौन सा वायरस होता है? ट्राइकोमा वायरस के माध्यम से ये रोग फैलता है। तथा प्रभावित अंग, प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग होता है आपका आँख का रेटिना। आँख का रेटिना, आँख के रेटिना को प्रभावित करता है कौन सा रोग? ट्रेकोमा रोग करता है। इस रोग के दौरान जो आँख का रेटिना होता है, उसमें क्या होते हैं? घाव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? घाव उत्पन्न हो जाते हैं। और घाव जब उत्पन्न होते हैं तो मनुष्य की आँखें क्या हो जाती हैं? दृष्टि क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तथा इस दृष्टिहीन भी व्यक्ति क्या हो जाता है? तो ध्यान रखना, जब ये घाव उत्पन्न होंगे तो मनुष्य दृष्टिहीन भी हो सकता है, या आँखों की रोशनी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब एक आपको दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की बात करें, जो दिल्ली पुलिस की बात करें कि मनुष्य की आँख के कौन से भाग का, मनुष्य की आँख के कौन से भाग का ट्रांसप्लांट किया जाता है? ध्यान रखना, ट्रांसप्लांट की जब बात आती है, साइंस का क्वेश्चन है, पुट अप हो सकता है, अभी ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, नेत्र के कौन से भाग को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, वो ध्यान रखना। वो उत्तर क्या होगा? ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, वो होगा उत्तर क्या? रेटिना। कौन सा उत्तर होगा? रेटिना। तो ट्रांसप्लांट की जब बात करें, नेत्र की आती है, तो ट्रांसप्लांट का जो भाग होता है वो कौन सा होता है? रेटिना होता है। और रेटिना को सर्वाधिक प्रभावित कौन सा रोग करता है? ट्रेकोमा रोग। और इस रोग के दौरान मनुष्य की आँख में क्या होते हैं? घाव उत्पन्न हो जाते हैं, वो रोग कौन सा कहलाता है? ट्रेकोमा। तो ध्यान रखिए, ट्रेकोमा रोग की बात करें, वायरस होता है ट्राइकोमा, प्रभावित अंग आँख का रेटिना। लक्षण क्या प्रकट करता है? घाव उत्पन्न होता है, व्यक्ति दृष्टिहीन या आँखें की रोशनी क्या हो जाती है? कमज़ोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आँख के कौन से भाग का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, वो कौन सा होता है? आपका रेटिना होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रोग की। नेक्स्ट रोग देखिए अपना,
इसके बाद आता है आपका खसरा रोग। कौन सा रोग आता है? खसरा। नेक्स्ट रोग देखते हैं अपन खसरा। और जो खसरा रोग होता है इसका जो वायरस होता है वो वायरस कौन सा होता है? रूबियोला वायरस। कौन सा वायरस होता है? रूबियोला वायरस होता है, ठीक है। और रूबियोला वायरस के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? खसरा रोग फैलता है। प्रभावित अंग की बात करें, ये खासतौर पे गले को प्रभावित करता है। और गले को प्रभावित करने के बाद ध्यान रखना, ये खासतौर पर पाया किस में जाता है? यह है प्राय। किस में उत्पन्न होता है? बच्चों में उत्पन्न होता है। खासतौर पे किस में पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। और इसके लिए इसका टीका दिया जाता है। टीका होता है आपका MMR का। टीका कौन सा होता है? MMR का होता है। और MMR का टीके का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना आप, मिजल्स, एम का मतलब मम्स, आर का मतलब रूबियोला, ठीक है। ध्यान रखना MMR का टीका दिया जाता है कौन से रोग का? खसरा रोग के लिए। तो अगर वायरस पूछे, वायरस कौन सा होता है? रूबियोला वायरस। प्रभावित अंग पूछे वो कौन सा होता है? गला होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो मम्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? मम्स। ध्यान रखना इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो मम्स, या आप ऐसे बोल सकते हो मम्स, ठीक है। इसके माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? आपका खसरा रोग फैलता है, ठीक है। अब ये जो प्रभावित अंग होता है गला होता है, गले में क्या आ जाती है? मनुष्य की सूजन आ जाती है बच्चे की, और खाने पीने में बच्चे को क्या होती है? तकलीफ पैदा होती है। इसलिए इसको क्या दिया? टिक्का दिया जाता है MMR का, जिसका बना होता है मिजल्स, मम्स, रूबियोला, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एक और रोग की बात करते हैं, लास्ट रोग आज के लिए। वो लास्ट रोग होता है आपका चिकनगुनिया। कौन सा रोग होता है? चिकनगुनिया की बात करते हैं, चिकनगुनिया। और ये चिकनगुनिया रोग क्या प्रभाव? देखो सबसे खतरनाक रोग होता है ये चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया की बात करते हैं, चिकनगुनिया का वायरस होता है अल्फा वायरस। कौन सा वायरस होता है? अल्फा वायरस होता है। इसका जो वाहक होता है, ये वाहक का कार्य कौन करता है? वाहक का कार्य करता है आपका एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर करता है? एडीज मच्छर करता है। तीसरी विशेषता और देखना, इसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण क्या प्रकट करता है? तेज बुखार प्लस जोड़ों में क्या उत्पन्न होता है? तेज दर्द। जोड़ों में क्या होता है? दर्द उत्पन्न हो जाता है। वो कौन सा रोग कहलाता है? आपका चिकनगुनिया। ध्यान रखें चिकनगुनिया रोग होता है, वायरस होता है अल्फा, वाहक होता है एडीज मच्छर, लक्षण होते हैं तेज बुखार प्लस जोड़ों में दर्द। खास तौर पर दवा एक ही काम करती है इसमें, ध्यान रखना, वो होती है पैरासीटामोल, और कोई कार्य नहीं करते। पैरासीटामोल की दवा दी जाती है, बाकी आपकी जो देसी बात में बात की जाए वो गिलोय की जो लकड़ी होती है उसका काम में लेते हैं, उसका काढ़ा बनाते हैं। आयुर्वेदिक दवा की बात करें वो गिलोय की क्या होती है? लकड़ी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना चिकनगुनिया होता है जो वायरस होता है अल्फा वायरस, वाहक होता है इसका जो एडीज मच्छर, लक्षण होते हैं तेज बुखार प्लस जोड़ों में दर्द, दवा होती है पैरासीटामोल लेता गिलोय की लकड़ी। और जब ये जोड़ों में दर्द करता है तो व्यक्ति न तो किसी वस्तु को उठाने में सक्षम होता है, न मनुष्य सही तरीके से बैठ पाता है, ठीक है। अगर किसी प्रोग में आपको कोई कन्फ्यूज लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें तथा दोस्तों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कहें। जय हिंद। आगे अगली क्लास अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट रोगों की। जय हिंद, जय भारत।